If you like this video, please subscribe the channel, like and share this video. एवन पंजाबी ते एवन न्यूज़ विच मैं एक बार फिर थोड़ा स्वागत करदा दोस्तों। मानयोग अदालत दे हुक्मां दे अनुसार कि जिन्ने भी धार्मिक स्थान ने उन्हां दे उपरों लाउड स्पीकर उतार देने चाहिए ने और उस दे नाल बच्चियां दी पढ़ाई ते फर्क पैंदा है और कुछ लोग जिहड़े मेंटली तौर ते डिस्टर्ब ने बीमार ने उन्हां नूं भी प्रॉब्लम आउंदी है जदों लाउड स्पीकर दे विच कोई उची उची बोल रहा हो। इस करके मानयोग अदालत का यह हुक्म है कि जिन्हें भी धार्मिक स्थान ने चाहे वह मंदिर ने मस्जिद ने या होर कोई ने उन्होंने उपरों लाउड स्पीकर उतार दिते जाण और इसका प्रैक्टिकली रूप में काम शुरू हो भी चुका है। जिन्हें भी यूपी के धार्मिक स्थान ने सारे के उपरों लाउड स्पीकर उतारिया जा रहा और इस सारे मुद्दे पर बोलद्या होया अनूप कपूर ने की कहा, सुनो तुसी भी। हाई कोर्ट का आदेश आया और एक ये हम लोगों के लिए अच्छा आदेश आया है कि जिससे ये मंदिरों में और सभी धार्मिक स्थलों में जोर जोर से साउंड बजा देते हैं कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी और भी तमाम सामाजिक संस्थाओं से भी अनुरोध है कि इस प्रकार से ऊपर अगर धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर साउंड लगे हैं तो मेरा उनसे सबसे धार्मिक स्थलों से अनुरोध है कि आप जैसे वैभव लक्ष्मी मंदिर ने पहल करी है इसी प्रकार से सभी धार्मिक स्थल इसमें पहल करें, ये एक सराहनीय कार्य है। हम हाई कोर्ट के का सम्मान करते हैं। बिल्कुल जी, ये लक्ष्मी मंदिर का पुजारी है जिसने की दसिया कि वाकई किते ना किते जो लाउड स्पीकर की आवाज़ बढ़ती है बच्चे जिहड़े स्टूडेंट्स ने उन्होंने प्रॉब्लम आती है और कई मेंटली तौर पर नहीं ठीक होंगे, बीमार होंगे है, उन्होंने भी इस तरह की जी साउंड पॉल्यूशन है उस तो प्रॉब्लम हुंदी है। शायद यही एक कारण है कि मानयोग अदालत वालों इस ते रोक लगा दी गई है। एवन पंजाबी दा सारे दर्शकों नूं देश विदेश दीआं संगतां नूं तोहफा। एवन पंजाबी उत्ते कोई भी धार्मिक समागम या पेंडू खेडां लाइव करवा सकते हो सिर्फ 15,000 रुपए विच। जी हाँ, सिर्फ 15,000 रुपए विच तुहानू मल्टी सेटअप दे नाल मिक्सर दे नाल मिलेगा वर्ल्ड वाइड लाइव ऑन एवन पंजाबी टीवी। तो फिर इंतजार किस चीज का है? जेकर तुसी भी करवाना चाहते हो कोई भी धार्मिक समागम या रवायती खेडों का सीधा प्रसारण एवन पंजाबी ते, तो संपर्क कर सकते हो इन्हां नंबरां ते।